अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल शादियों जैसा मटन बनाना है और बहुत ही जूसी हो, जो खाने में जायकेदार हो, तो आप इस तरीके से मटन ज़रूर बनाइए, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार मटन को। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन ले लिया है, जिनको 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद एक छन्नी में स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। बाकी मसाला तैयार करते हैं। एक बाउल में ले लेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और आधा कप पानी इसमें डालेंगे। पानी डालकर हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इनको साइड में रखेंगे, इसकी हमें बाद में ज़रूरत है। तो चलिए मटन को भूनना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी मटन को बना सकते हैं। तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। राई का तेल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल डालने के बाद हमें तेल को अच्छे से फाड़ना है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक कर इनको रख देंगे, ताकि आपके ऊपर इसकी छींटे ना आए, इसलिए इनको ढक कर ही हमें तेल को फाड़ना है। यहाँ पर तेल अच्छे से हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 बड़ी साइज़ के प्याज, जिनको लच्छेदार में मैंने काट लिया है। तो आधी प्याज को हम इसमें डालेंगे, आधी प्याज को रख देंगे बाद के लिए। तो प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। जब ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए तो तेल से निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम में हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई करके रख लिया है। तेल में डालेंगे 1 कप मखाना, इसे लावा भी कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मखाने को, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मखाने को अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद तेल से निकाल लेंगे। मटन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मखाने से। तो यहाँ पर मखाने को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है, अब इन्हें भी साइड में रखेंगे। अब इसी में तेल में हम डालेंगे हल्दी का पानी, अच्छे से घोल लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था तो नीचे जम जाता है। तो मिक्स करने के बाद हल्दी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये दानेदार ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करते हुए दानेदार बना लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, इसका हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ धुला हुआ मटन। मटन ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मटन को हमें बहुत ही अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। हल्दी का जो कलर है मटन में काफ़ी अच्छे से आ चुका है, सारा फ्लेवर हल्दी का इसमें आ गया है। मटन में ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च 1 टीस्पून और 7 से 8 छोटी इलायची, लौंग, बादियान का फूल। बस इतने ही मसाले हमें इसमें ऐड करना है। मटन का देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ बची हुई प्याज, जो हमने प्याज को बचा के रखा था, प्याज भी डाल देंगे। और गोश्त को अच्छे से हमें भूनते रहना है, जब तक कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे कुछ घर के बेसिक मसाले, जो हर घर में मौजूद होता है, वही मसाले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इतना ही मसाले इसमें डालेंगे और मटन को अच्छे से मसालों के साथ हमें भूनते रहना है 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और मसाला भुन जाएगा, तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही। मटन में जब भी दही का इस्तेमाल करें तो आप फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, ज़्यादा खट्टी दही नहीं इस्तेमाल करें, वरना जो आपकी ग्रेवी है वो थोड़ा सा खट्टी हो जाएगी। तो ढककर हमें मटन को गलाना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में मटन को गला लेंगे। जब तक गोश्त अच्छे से गल रहा है, हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, जो हमने स्टार्टिंग में प्याज फ्राई करके रखा था, मिक्सी के जार में डाल देंगे। काजू डालेंगे इसमें 10 से 15। मैं डालूंगी कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा तकरीबन 1/2 कप, आप चाहे तो नारियल के पीस भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे संदल पाउडर 1 टेबल स्पून। संदल पाउडर अगर नहीं है तो आप इसकी जगह खशखश भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। और पानी डालकर इनको बहुत ही अच्छे से हमें फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है, बहुत ही बारीक सा पीस कर रख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए। तो चलिए मसाले को हम मटन की तरफ ले चलते हैं। मटन भी काफ़ी अच्छे से गल चुका है, बीच बीच में मैंने इन्हें अच्छे से स्टर भी कर लिया था और ये काफ़ी अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें 1 कप पानी ही ऐड करिए।
को मीडियम रखना है तो आप इसमें 2 कप पानी ऐड करें। जैसा भी रखना है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो मसाला तैयार किया था मसाला डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। ढककर 5 मिनट हम इन्हें पकाएंगे। ऑलरेडी हमारा जो मटन है वो गला हुआ है, तो 5 मिनट बाद इन्हें चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा बहुत ही लजीज मटन तैयार हो चुका है, तो इन्हें गार्निशिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ मखाना और हरे धनिया से गार्निशिंग करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। मटन अच्छे से रेडी हो चुका है, तो इन्हें नान के साथ खाए बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस मेथड से अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और भी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लाते रहूँगी। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय।